नमस्कार और आप देख रहे हैं पलवन। तीन कृषि कानूनों के विरोध में आज प्रदेश भर के किसान एकत्र होंगे। व्यास बनारा रोड पर स्थित उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के निवास का घेराव करने वाले हैं। इसे लेकर प्रशासन में कड़ी सुरक्षा कल से ही शुरू कर दी थी। चारों तरफ पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री के आवास की ओर जाने वाले सभी मार्गों और गलियों को आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 12 पुलिस कंपनियां भी सुरक्षा के लिए यहां तैनात की गई हैं। दूसरे जिलों से भी पुलिस कंपनियों को सिरसा में बुलाया गया था। इतना ही नहीं, 10 डीएसपी की यहां पर ड्यूटी लगाई गई है और 30 इंस्पेक्टर सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं। शहर में चारों तरफ से प्रवेश द्वार जहाँ पर और जिन रूटों पर किसानों के आने की संभावना है उन्हें डाइवर्ट किया गया है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। इसमें वज्र वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। वाटर कैनन सहित अनेक सुरक्षा के उपकरण भी बाहर से मंगवाए गए हैं। कल शाम को पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया था कि किसानों के घेराव के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के आवास की ओर जाने वाले सभी मार्गों और गलियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। शहर के अलग अलग जगह पर कोने कोने पर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए सिरसा के SDM जयवीर यादव भी सुरक्षा व्यवस्था व अलग अलग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं सिरसा की एक खास रिपोर्ट। हाँ, प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम किया हुआ है और हमारे 16 ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं दिन में नाके ऊपर, और आप देख रहे होंगे पूरा पुख्ता पुलिस के पूरा चौकस पहरा है और पूरी व्यवस्था बनाई हुई है।